खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खबर 7C न्यूज चैनल में। मैं हूं अमीषा पटेल। आइए ले चलते हैं सीतापुर में और देखते हैं पुनीत यादव की यह बड़ी खबर। 60 साल के बुजुर्ग को बड़ी बेरहमी से लाठियों से पीटा, पूरी तरह जख्मी होने से बुजुर्ग की मौत हो गई। वारदात की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बुजुर्ग की हत्या के आरोप में पुलिस ने 10 लोगों के नामजद किया। बुजुर्ग की मौत से पूरे गांव में मातम का माहौल है। आपको बताते चले, ताजा मामला यूपी के सीतापुर कोतवाली बिसवा के सांडा चौकी बदरपुर का है। क्या है पूरा मामला? सर लाठी से मारे, चाकू से मारे, बंदूक से मारे। मैं भाई कहीं मार डालूंगा राम नायरा। आपका नाम? हाँ गौरी, पांच भाई हूँ, पांच में कोई घर पर नहीं रहा। बड़ा भाई सबसे यही हमारा राय था है। क्या जिन लोगों ने मारा उसको जानते हैं? उन लोगों में तो सर उनका नाम नहीं पता है। थाने में तहरीर दी? हाँ थाने में, उसमें जो कुछ मवाजा जो लिखा है। क्या नाम है आपका? हमारा हरदोई नाम, कल मैं आया हूँ बाहर से। ये भगतपुर गांव है, थाना बिसवा का, जनपद सीतापुर का मामला था। ये रात में लगभग 9-10 बजे के बीच में दो पक्ष के बीच में विवाद हुआ था, जमीन को लेकर और उनको होली का ये रखने का लेकर विवाद हुआ था। विवाद बढ़ते हुए उसमें हथियार से, अवैध हथियार से फायरिंग भी हुआ था। उसके अलावा लाठी डंडा से और चाकू से मारपीट शुरू हो गया था, तो उसमें एक आदमी का मृत्यु हो गया था। इसके अलावा दूसरा पक्ष में भी कुछ लोग घायल है जी। और अभी मुकदमा लिखा गया है और 10 लोगों को नामजद किया है उस पक्ष ने, और उनके खिलाफ कार्रवाई और जांच में लगे हुए हैं। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई? 3 लोगों का भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है और उसमें 2 लोगों का अरेस्ट किया गया है।